प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 की गणित में त्रिकोणमिति फलन पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर -1/2। अब इसको सिद्ध करना है कि इसका मान जो है -1/2 के बराबर होगा। तो देखिए, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर थीटा का मान जो है रेडियन के रूप में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि पाई बराबर 1/16 होता है। तो पाई बटे 6 का मतलब ये हो जाएगा 30 अंश, पाई बटे 3 का मतलब होता है 60 अंश, और पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 अंश। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो यह 1/2 का वर्ग, यह cos 60 अंश है, तो cos 60 अंश का अभिमान 1/2 होता है, तो यह 1/2 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ जो है यह टेन स्क्वायर पाई बटे 4 यानी टेन 45 अंश है, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। अब यह हो जाएगा आपका 1/2 का वर्ग 1/4 धन 1/4, और यह -1 हो जाएगा। 1/4 और 1/4 मिलकर 2/4 हो जाएगा, -1, 2 1 कम 2, 2 2 ना 4, यह हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 1/2 -1 बराबर -1/2 राइट हैंड साइड। तो ऐसे हम इनको हल करेंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, और इसका मान जो है 3/2 के बराबर दिखाना है। तो फिर उसी तरह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। अब यह हो जाएगा 2 × sin π/6 का मतलब यह हो जाएगा sin 30 अंश, तो इसका मान जो है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर, यह 7 π/6 है, तो इसको हम पाई प्लस पाई बटे 6 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, और यह कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। अब यह हो जाएगा आपका 2 × यह 1/2 का वर्ग है, तो 1/4 हो जाएगा। अब यह ध्यान देंगे, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बटे 6 है, तो हम जानते हैं कि कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया इसलिए माइनस ना होकर वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बटे 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, 2 से यह 4 कट जाएगा यानी यह 1/2 हो जाएगा। इसका मान जो है कोसेक स्क्वायर पाई बटे 6 यानी कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा यानी प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग, और गुणे यह हो जाएगा कॉस
60 अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो यह 1/2 का वर्ग हो जाएगा। अब बराबर यह हो जाएगा 1/2 धन 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। 4 से यह 4 जो है कट जाएगा, यह हो गया आपका 1/2 धन 1 बराबर यह हो जाएगा 3/2 राइट हैंड साइड। इस तरह जो है दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात करते हैं। साइन 0 अंश से लेकर साइन 90 अंश तक के मान को याद रखना होगा, उसी तरह कॉस का मान याद रखना होगा, और जब मान याद रखेंगे उसी के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो आगे देखिए, अब हमें साइन 75 अंश और टैन 15 अंश का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए देखिए। अब साइन 75 अंश को हम लिखेंगे साइन 30 अंश धन 45 अंश। अब ध्यान देंगे, अब साइन 75 अंश का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी में जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान दिया रहता है। अब यहाँ पर साइन 75 अंश दिया है, तो 75 अंश का मान उसमें नहीं दिया रहता है। तो ऐसा कोण जिसका मान सारणी में न दिया हो, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए उस कोण को अन्य दो कोणों के योगफल या अंतर के रूप में इस प्रकार लिखते हैं जिसका मान सारणी में दिया रहता है। तो हमें यहाँ पर 75 को 30 धन 45 के रूप में लिख सकते हैं, और यह जो है साइन ए प्लस बी के रूप में हो गया यह। और इसका फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर यह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम मान ज्ञात करेंगे, इसलिए यह हो जाएगा आपका साइन 30 अंश धन 45 अंश बराबर यह हो जाएगा साइन 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। अब फिर इसके बाद मान रखेंगे, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 30 अंश का मान 3/2, और साइन 45 का 1/2 होता है। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, और यह जो है 3/2 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है, तो 1 धन 3/2। तो यह जो है साइन 75 अंश का मान हो गया। उसी तरह यहाँ पर जो है टेन 15 अंश का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम लिख देंगे बराबर टेन 45 अंश माइनस 30 अंश। अब यह अंतर के रूप में हो गया, तो यहां भी फॉर्मूला है याद रखेंगे, टेन ए माइनस बी बराबर यह होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब इस सूत्र के माध्यम से यह हो जाएगा आपका टेन 45 अंश माइनस 30 अंश बराबर यह हो जाएगा टेन 45 अंश माइनस टेन 30 अंश 1 प्लस टेन 45 अंश इंटू टेन 30 अंश। अब मान रख देंगे यहां पर
तो हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 30 अंश का मान 1 बटे कर्णी में 3, और फिर यह हो जाएगा आपका 1 धन tan 45 अंश का मान 1, 30 अंश का मान 1 बटे कर्णी में 3, और तिर्य गुणा कर देंगे तो कर्णी में 3 ऋण 1 बटे कर्णी में 3 धन 1 हो जाएगा। तो यह जो है tan 15 अंश का मान हो गया, या हम प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, कर्णी में 3 ऋण 1 बटे कर्णी में 3 धन 1 है, इसमें कर्णी में 3 ऋण 1 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा कर्णी में 3 ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे जो है कर्णी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तोड़ेंगे सूत्र के माध्यम से तो 3 धन 1 ऋण 2 कर्णी में 3, और नीचे जो है 3 ऋण 1 हो जाएगा बराबर 4 ऋण 2 कर्णी में 3 बटे 2, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यह 2 माइनस कर्णी में 3। तो यह जो है tan 15 अंश का मान होगा, और इस तरह हम अन्य कोणों का भी मान योगफल और अंतर वाले फॉर्मूले पर रखकर ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।